महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का कार्य करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से लेकर मजदूर तक अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर कॉरिडोर का नाम अब महाकाल लोक रख दिया गया है। यहाँ महाकाल लोक बनकर तैयार हो चुका है। कुछ एक ही काम अंतिम चरण में चल रहे हैं। यहाँ पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर, मजदूरों, कर्मचारी व अधिकारियों का कहना है कि उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्हें इस प्रकार के काम करने का मौका मिला। महाकाल लोक उज्जैन के लिए गर्व की बात है। ये पूरे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। नीलकंठ वन बना रहे कॉन्ट्रैक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि उनका काम महज 1-2 दिन का बाकी है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका स्वरूप अद्भुत होगा। यहाँ भगवान शिव जी के आसपास झरना और लाइटिंग दिखाई देगी। लोगों के लिए ये सेल्फी पॉइंट भी कहलाएगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है। महाकाल के दरबार में लेबर हो या कोई भी, हम जैसे लोगों को काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और इससे जुड़े हुए सभी पूरे हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा इस पर दाव पे है। हाँ, ख़ास तौर से उज्जैन के लिए बड़े गर्व की बात है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमें इस आयोजन से जुड़ने का मौका मिला। ये मेरे पास एक नीलकंठ वन का प्रोजेक्ट है, पूरा सामने आप देख रहे होंगे पीछे, मेरे पीछे ये शिव जी का झरना है। यहाँ से पानी फ्लो होगा ऊपर से नीचे तक और कलरफुल लाइटिंग का बड़ा अद्भुत नज़ारा पेश होगा। यहाँ बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। इस महाकाल लोक में 108 स्तंभ और करीब 200 आकर्षक प्रतिमाएं बनाई गई हैं। यहाँ विशाल वोल है जिस पर भगवान शिव से संबंधित गाथाएं उकेरी गई है। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट।